अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। क्लास जो है वो फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये लेसन पढ़ी द मैन हू स्वॉल्ड अ स्नेक, इसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो भी हमने किए। अब इसमें ग्रामर वर्क है वो आज हम करेंगे। आप पेज नंबर 38 निकालिए जिसमें यहाँ पे लैंग्वेज वर्क दिया हुआ है। ए पार्ट है फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन्स द फॉलोइंग। टेक्स्ट बुक में आपने ढूंढने हैं ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेजेस, इन्हीं के सेम आंसर्स वहां पे, सेम मीनिंग के लफ्ज आपको वहां पे ढूंढने हैं। तो पहला जो है टू मेक अ पर्सन और एन एनिमल फ्राइटेंड, किसी इंसान को या जानवर को डराना। तो इसका इसी का सेम तरह का जो लफ्ज है, जो वर्ड है वो है स्केयर। टू मेक अ पर्सन और एन एनिमल फ्राइटेंड, किसी इंसान को या जानवर को डराना, इसका आंसर है स्केयर। ये इन दोनों का मीनिंग जो है, इन दोनों का माने जो है वो बिल्कुल सेम है। बी पार्ट है टू फ्लो क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट, तेजी से और बहुत ज्यादा मिकदार में। तो इसका जो है वो है पोरिंग और श्योर, पोरिंग और श्योर। तो थर्ड पार्ट है इसमें कंप्लीटली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड यानी पूरी तरह से भरा हुआ, जो उसके मुंह में उसने सेब डाले और उसका मुंह सेब से उसने भर दिया। तो इसका जो सेम मीनिंग का लफ्ज है वो है स्टफर्ड, STUFFED, स्टफर्ड। डी पार्ट है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम वक्त, इसका जो आंसर है वो है स्पैन और सेकेंड, SECOND। और ई पार्ट है इसमें टू एम्पटी द कंटेंट ऑफ द स्टोमक थ्रू द माउथ, जो म्यादा है उसका, उसको किसी चीज से खाली करना, मुंह के जरिए से उसके म्यादे को साफ करना। तो इसका जो मीनिंग है वो है सेम जो इसका मीनिंग का लफ्ज है वो है वोमिटिंग यानी उल्टी। अब इसमें बी पार्ट है ग्रामर, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये बी पार्ट है इसका। ये अपोजिट इनके लिखने, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अपोजिट हमने लिखने हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक में से निकालने हैं और इनके अपोजिट लिखने हैं। वर्ड्स है फुलिश, अवेक, माउंट, स्लोली, पावरलेस, डेंजर, अलायो, ब्लेसड, विर्चू, बैकवर्ड, ओल्ड, रिमेम्बर, डिफिकल्ट, ब्यूटिफुल, वाइट। तो फुलिश जो है इसका है, फुलिश हुआ बेवकूफ, इसका अपोजिट वर्ड जो है वो है वाइज। अवेक यानी जागा हुआ, अस्लीप सोया हुआ। माउंट, माउंट हुआ चढ़ना, डिसमाउंट, डिसमाउंट हुआ उतरना, नीचे उतरना। स्लोली आहिस्ता से, हुरीडली तेजी से। पावरलेस पावरफुल। डेंजर, डेंजर हुआ खतरनाक। सेफ्टी, सेफ्टी हुआ सेफ। सेफ्टी, सेफ्टी हुआ बचाओ। अलाइव हुआ जिंदा, डेड हुआ मुर्दा। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड कर्सड। वर्चू वाइस। बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये आर है यहाँ पे, बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड। ओल्ड पुराना, ओल्ड हुआ बूढ़ा। यंग जवान। रिमेम्बर याद रखना, फॉरगेट भूल जाना। डिफिकल्ट मुश्किल, इजी आसान। ब्यूटीफुल खूबसूरत, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है अगली। वाइट सफेद, इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है ब्लैक। तो आज हमने यहाँ तक ये कंप्लीट किया बी पार्ट तक। अब इसमें आगे भी है कुछ ग्रामर वर्क, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है, इसका स्नैपचैट भी मैं अपने ग्रुप में डालूंगी, तो आप ये अपनी बुक्स नोटबुक पे अच्छे से लिखिए और याद भी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।